सोशल मीडिया पर कुछ फिल्मों के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टर का टाइटल है द ओमिक्रॉन वेरिएंट और टैगलाइन में लिखा है वो दिन जब पृथ्वी बन जाएगी शमशान। दावा है कि ये पोस्टर्स 60 के दशक में आई फिल्मों के हैं जिन्हें अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने वायरल पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा, विश्वास करें या बेहोश हो जाएं, ये फिल्म 1963 में आई थी, टैगलाइन देखें। वेरीफाइड ट्विटर यूजर कारमाइन साबिया ने भी वायरल पोस्ट ट्वीट किया, ये फिल्म सचमुच में 1960 के दशक में बनी थी। इसके अलावा कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अन्य वेरीफाइड ट्विटर यूजर्स ने भी द ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम से अलग अलग फिल्मों के पोस्टर्स ट्वीट किए। द लल्लन टॉप ने वायरल दावों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावे भ्रामक निकले। वायरल पोस्टर्स के साथ छेड़छाड़ कर इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावों की पड़ताल के लिए हमने शेयर किए जा रहे पोस्टर्स को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजा। सर्च में हमें आयरिश कलाकार बेकी शेटल का ट्विटर प्रोफाइल मिला। उन्होंने 28 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में बेकी ने पोस्टर्स को फोटोशॉप करने और उनके 70 के दशक की फिल्मों से जुड़े होने की बात कही है। बेकी शेटल का ट्वीट अंग्रेजी में है, हम आपको उसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। नमस्ते, मुझे पता चला है कि मेरा एक पोस्टर स्पेनिश भाषा के ट्विटर पर एक कोविड से जुड़ी अफवाह के सबूत के रूप में प्रसारित हो रहा है। ये मूर्खता है क्योंकि मुझे लगा था कि सुनने में ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 के दशक की साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह लगता है। कृपया मेरे मजाक के कारण परेशान ना हो, धन्यवाद। साथ ही बेकी शेटल ने एक दूसरे ट्वीट के कैप्शन में लिखा है, मैंने फ्रेज द ओमिक्रॉन वेरिएंट को 70 के दशक की कई साइंस फिक्शन फिल्मों के पोस्टर के साथ फोटोशॉप किया था, #ओमिक्रॉन। इंटरनेट पर हमें 1974 में आई स्पेनिश फिल्म फेज 4 का पोस्टर भी मिला। इसी फिल्म के पोस्टर को फोटोशॉप करके बेकी ने पोस्टर तैयार किया था। ये फिल्म रेगिस्तानी चींटियों में अचानक पैदा हुई इंटेलिजेंस के बारे में है। इस वजह ये चींटियां एकजुट होकर इंसानों पर हमला कर देती हैं। ये तो हुई पहले पोस्टर की बात। वायरल हो रहा दूसरा पोस्टर 1966 में आई फिल्म साइबोर्ग 2087 को फोटोशॉप करके बनाया गया है। अब बताते हैं कि क्या है ओमिक्रॉन का पूरा मसला। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वेरिएंट B.1.1.529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। उन्होंने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया था। ओमिक्रॉन शब्द ग्रीक अल्फाबेट में 15वें नंबर पर आता है। मई 2021 में WHO ने जटिलता और विवाद से बचने के लिए नामकरण का नया सिस्टम लागू किया था। दरअसल द ओमिक्रॉन वेरिएंट के पोस्टर को लेकर पूरी बहस 1963 में रिलीज हुई फिल्म ओमिक्रॉन से जुड़ी है। ये फिल्म एक ऐसे एलियन पर आधारित थी जो एक इंसान के शरीर में काबू करके पृथ्वी के तौर तरीके सीखता है ताकि उसके ग्रह के लोग पृथ्वी पर कब्जा कर पाए। वो तो इस फिल्म की कहानी से ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्विटर यूजर्स ने साइंस फिक्शन फिल्मों के फोटोशॉप किए गए पोस्टर्स को इस फिल्म के नाम से जोड़कर ठेल दिया। द लल्लन टॉप की पड़ताल में वायरल पोस्टरों और उनके साथ शेयर किए जा रहे दावे भ्रामक निकले। दरअसल इन पोस्टरों को फोटोशॉप टूल की मदद से बनाया गया है। आयरिश कलाकार बेकी शेटल ने 70 के दशक की मशहूर साइंस फिक्शन फिल्मों के पोस्टरों को फोटोशॉप करके इन्हें बनाया है। साथ ही 1963 में रिलीज हुई फिल्म ओमिक्रॉन एक एलियन पर आधारित थी जिसका ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई संबंध नहीं है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारी साथी अनुष्का ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप।